अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक से होंगे। आज मेरी मम्मा जो है वो मूली के पराठे बनाने लगी हैं। पूलिया जो हैं वो हमने 3 अदद कद्दूकस कर ली है। इसके बाद इसमें जो है फर्स्ट पे जायका जितनी भी आपको जरूरत है, लाल मिर्च पाउडर मैंने इधर 1 चम्मच डाला है, और सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक थोड़ा सा हल्का जरूरत वो डाला है। अब इसमें मैं कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 इतने डालूंगी, मिक्सचर बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको रोटी में डाल के मैं पराठा बना लूंगी। इधर मम्मा ने हरी मिर्चें डाल दी हैं, अंदर 3 से 4 ली थी वो डाल दी हैं। चले अब हम इसको मिक्स करते हैं और पराठे बनाते हैं, मम्मा बनाएंगी। ये देखिए ये मिक्स हो रहा है अच्छे से, इसको मिक्स करेंगी। उसका पानी निकाल लेंगी, पानी निकाल के इसको निचोड़ी जाएंगी और साइड पे बॉल में रखी जाएंगी। अच्छे से इसका पानी निचड़ जाएगा, फिर इसको साइड पे रख लेंगे। जैसे मिक्सर का पानी था वो निचड़ गया, अब इसको हम यूज करेंगे पराठों के लिए। अब मम्मा इसके पेड़े बना रही हैं, छोटे छोटे से 2। इसमें फिर हम जो है हमारी मूली कद्दूकस की हुई मिक्सचर जो है वो डालेंगे, भरेंगे। ये देखे पेड़ों में छोटे छोटे से जो से नन्हे मुन्ने पेड़ बनाए थे ना, उनमें मिक्सचर भर रही है मम्मा। इसको अब बंद कर देंगे और ये रोटी हाथ से बनेगी। हम हाथ से इसको जो है ना करेंगे सारा, कितने बेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सिर्फ मुझे पड़ती है। ये देखिए मम्मा अब इसको कुछ काटे में लगा रही है, अब इसको जो है वो बेल रही है हाथों की मदद से, किनारे जो है वो बारीक रहे। अब ये देखे माशाल्लाह परोठा बनेगा हाथों में। अब ये देखे दोबारा से बेल रही है इसको, इसके बाद जो है इसको थलेंगी। ये देखे करने शुरू हो गई रूटीन प्रोसेस, माशाल्लाह। ये प्रैक्टिस की बात है, आप लोगों से नहीं अभी फिलहाल बनेगी, 20 साल की प्रैक्टिस के बाद गोल बनी है, माशाल्लाह ये गोल बनी है। अब इसको ऑयल लगाएंगे साइड पे, बस बहुत प्यारी बारीक सी रोटी बन गई है हमारी, बहुत मम्मा की फेमस रोटी है। एक साइड जो है वो पक रही है, अब इसके बाद जो दूसरी साइड होगी वो भी दोबारा से पकेगी। ये देखिए ये थल दी है हमने रोटी दूसरी साइड पे, एक साइड से जो है मतलब कच्ची पक्की हो गई, एक साइड से लाइट ब्राउन हो गई, पर मैं दूसरे साइड पे कर दी है बता दी है उसको। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया दूसरी साइड पे भी। बहुत मजे का पराठा बनेगा जी। रोटी जो है वो हमारी डन हो गई, अब इसको प्लेट में सर्व करेंगे। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। रोटी जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई, कितना प्यारा कलर आया इसका।
रोटी बहुत गर्म है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो परोठा मेरा पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो भाई, और न्यू जो भी आप रेसिपी जाते हैं वो मैं आपको दे दूंगी, दुआ में याद रखिए। देखिए लाइट में कितनी प्यारी आ रही है।